नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए एर्गोनॉमिक्स इन प्रोडक्ट डिजाइन, प्रोडक्ट डिजाइन में एर्गोनॉमिक्स क्या होता है, बेनिफिट्स ऑफ एर्गोनॉमिक प्रोडक्ट डिजाइन, प्रोडक्ट डिजाइन में कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं एर्गोनॉमिक्स के, एंड टिप्स फॉर डिजाइनिंग एर्गोनॉमिक प्रोडक्ट। तो दोस्तों, यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एर्गोनॉमिक्स इन प्रोडक्ट डिजाइन। तो आइए दोस्तों, देखते हैं क्या है एर्गोनॉमिक्स। तो दोस्तों, जो भी छात्र पीके क्लासेस में फर्स्ट टाइम है, जो अभी भी पीके क्लासेस में नहीं जुड़े हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, जिससे आने वाला लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। तो दोस्तों, व्हाट इज एर्गोनॉमिक्स? एर्गोनॉमिक्स का मतलब होता है, एर्गोनॉमिक्स इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग वर्क प्लेस। वर्क प्लेस का मतलब है जहां पे आप कोई भी प्रोडक्ट को बनाते हैं, कोई आपका वर्क प्लेस है, स्थान है, जैसे कि आपका कॉलेज। तो कॉलेज एक वर्क प्लेस है जहां पे आप स्टडी करने जाते हो। तो वहां पे आपको क्या क्या होना चाहिए? तो सिमिलर यहां पे एर्गोनॉमिक इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग वर्क प्लेस प्रोडक्ट एंड सिस्टम। प्रोडक्ट मीन्स कोई कंपनी किसी भी प्रोडक्ट्स को बना रही है, तो प्रोडक्ट एंड सिस्टम विच इज फिट द पीपल हु यूज देम, जो कि लोगों के लिए फिट हो जो इसको उपयोग करना चाह रहे हैं, जो इसको उपयोग करेंगे। कि जैसे आप कॉलेज जा रहे हो तो आप अपनी क्लासरूम में जा रहे हो, तो क्लासरूम एक कंफर्टेबल होना चाहिए, बहुत बढ़िया बेंच होना चाहिए, साफ सफाई होना चाहिए, बेंच की एक स्टैंडर्ड हाइट होना चाहिए कि आप बैठें और 6 आवर बैठते हैं तो कंफर्टेबल फील करें। तो सिमिलर यहाँ पर एर्गोनॉमिक्स का मतलब होता है कि जो वर्क प्लेस है, प्रोडक्ट एंड सिस्टम विच इज फिट द पीपल हु यूज देम, जो लोग उसे उपयोग करते हैं उसके लिए ये क्या हो, सूटेबल हो, फिट हो। एर्गोनॉमिक अप्लाई टू द डिजाइन ऑफ एनीथिंग That involve people, workplace, workspace and sport, health and safety. Means जो ergonomics होती है, ergonomics apply to the design. कुछ भी हम design करते हैं, कुछ भी बनाते हैं, designing करते हैं, तो वहाँ पर हमारी ergonomics क्या होती है, involve होती है, apply होती है। जहाँ पर कौन कौन involve हो, लोग means people, workspace, sport, हेल्थ एंड सेफ्टी, इन सबसे रिलेटेड जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एर्गोनॉमिक। अब इसके बेनिफिट क्या क्या हैं? जैसे कि यदि हम एर्गोनॉमिक्स की बात करें तो सेफ्टी, सेफ्टी इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर डिजाइन एनी प्रोडक्ट। तो इकोनॉमिक एर्गोनॉमिक डिजाइन कैन हेल्प इंप्रूव सेफ्टी। यदि हमारी डिजाइन एर्गोनॉमिक्स है तो ये सेफ्टी में क्या करती है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सेफ्टी का मतलब है यदि एर्गोनॉमिक डिजाइंस होगी तो इसमें हमारी मिनिमम इंजरीज होंगी, मिनिमम एक्सीडेंट होंगे, स्मूथली वर्क होगा, एंड इसमें सेफ्टी है जो कि खास करके आपकी, जैसे कोई एम्प्लॉई है, टीम मेंबर है, कोई प्रोडक्ट का काम चल रहा है, तो यदि हमारी एर्गोनॉमिक डिजाइन बना रहे हैं तो मतलब वो सारी चीजें व्यवस्थित होंगी, सिस्टमेटिक होंगी, जिससे कोई भी इंजरी होने के चांसेस मशीन या किसी पार्ट से नहीं होगा। तो मींस इसमें सेफ्टी एक बेनिफिट होता है। सेकंड, कंफर्ट। एर्गोनॉमिक डिजाइन टू इंप्रूव कंफर्ट इज इन ऑफिस चेयर। तो एर्गोनॉमिक मींस लाइक योर ऑफिस या क्लासरूम बेंच। यदि बेंच की हाइट कम होगी तो भी आप लॉन्ग टाइम तक उस पर नहीं बैठ पाएंगे, और बेंच की हाइट ज़्यादा होगी तो आपको उसमें बैठने में अनकंफर्टेबल होगा, क्योंकि आपको स्मूथली आराम से जाके आप बैठ नहीं सकते, और 6 आवर तक बैठने के लिए आपको ये कंफर्टनेस चाहिए, कंफर्टेबल चाहिए। तो ये हमारा किस में आएगा, एर्गोनॉमिक के बेनिफिट। यदि एर्गोनॉमिक डिजाइन है आपकी उस बेंच की, तो दैट इज कंफर्टेबल, उसको आप स्मूथली यूज कर पाएंगे, आपके हिसाब से ही वो डिजाइन की गई होगी। थर्ड है इजी ऑफ यूज। जो भी प्रोडक्ट हम डिजाइन करते हैं एर्गोनॉमिक से, तो यह उपयोग, इसको उपयोग करना, यूज करना क्या होता है, आसान होता है। मीन्स आसानी से हम उस प्रोडक्ट को यूज कर सकें, हम क्या कोई भी आदमी उसको आप आसानी से उपयोग कर सके, तो मीन्स इजी ऑफ यूज। फोर्थ है एंजॉयमेंट।
एर्गोनॉमिक्स डिजाइन कैन हेल्प मेक अ प्रोडक्ट एंजॉयबल, मीन्स यदि डिजाइन हमारी एर्गोनॉमिक्स है तो इसका जो प्रोडक्ट होगा ये हमारा एंजॉयबल होगा, उसको हम खुशी खुशी खरीदेंगे, खुशी खुशी उसको यूज करेंगे और हमको खुशी रहेगी, हैप्पीनेस होगी। एंड एर्गोनॉमिक्स कैन हेल्प इम्प्रूव योर कस्टमर सेटिस्फेक्शन, जिससे जो ग्राहक होता है, कस्टमर होता है, यदि एर्गोनॉमिक डिजाइन है तो हमें वो कस्टमर भी उससे सेटिस्फाई होगा। कस्टमर साइकोलॉजिकल इंट्रैक्शन विद अ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के साथ साइकोलॉजिकली वो क्या होगा, इंट्रैक्ट होगा, जुड़ा रहेगा, तो ये तब संभव है जब हमारी डिजाइन कैसी हो, एर्गोनॉमिक। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों टिप्स फॉर डिजाइनिंग एर्गोनॉमिक प्रोडक्ट्स। जब भी हम कोई एर्गोनॉमिक प्रोडक्ट्स को डिजाइन करते हैं तो उसके लिए कौन कौन सी टिप्स होना चाहिए। कीप एर्गोनॉमिक्स इन माइंड व्हेन डिजाइनिंग, जब भी हम किसी भी प्रोडक्ट की डिजाइन एंड डेवलपमेंट करते हैं, डिजाइन करते हैं, तो हमें एर्गोनॉमिक को अपने दिमाग में लेके चलना पड़ेगा कि ये हमारी जो हम डिजाइन कर रहे हैं इसकी क्या वैल्यू होगी, क्या खासियत होगी, कैसे इसको हम यूज करेंगे, कैसे आम लोग इसको उपयोग कर सकते हैं। तो मीन्स डिजाइन करते समय आपको ये सारे पैरामीटर्स हैं जो कि माइंड में लेके ही डिजाइन करना पड़ेगा, समय को देखते हुए डिजाइन करना पड़ेगा कि मार्केट में किस प्रोडक्ट की और किस तरह की प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा नीड या रिक्वायरमेंट है, डिमांड है। सेकेंड है हु इज योर टारगेट, आपका टारगेट कौन होगा, ऑडियंस, क्योंकि इसको ऑडियंस ही आपके प्रोडक्ट को चूज करेगी, परचेज करेगी, तभी तो आपके प्रोडक्ट की यूटिलिटी है। यदि कोई उसको यूज ही नहीं करेगा तो उसकी उपयोगिता जीरो, मतलब उसकी यूटिलिटी तो कोई मतलब ही नहीं। तो मींस यहां पे जो आपका हु इज योर टारगेट, टारगेट मतलब हु इज योर टारगेट ऑडियंस, पब्लिक, लोग जो आपके प्रोडक्ट को, यदि एर्गोनॉमिक डिजाइन है, अच्छी डिजाइन है, तो एकदम अट्रैक्ट होंगे, अरे साहब मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, इस तरह से बोल के, और आपकी बहुत ज्यादा ग्रोथ होगी और सेलिंग बढ़ेगी। थर्ड पॉइंट है व्हाट डू कॉम्पिटिटर्स डिजाइन लुक लाइक, जब भी हम डिजाइन करते हैं तो हम देखते हैं कि इसके कौन कौन से कॉम्पिटिटर हैं मार्केट में। मीन्स हो सकता है कि एक ही प्रोडक्ट है, सपोज हम बिस्कुट बना रहे, एक दूसरी कंपनी का भी बिस्कुट आ रहा, थर्ड कंपनी का भी आ रहा, कई कंपनियों के आ रहे हैं, तो हमें कंपटीशन किस किस से मिल सकता है, कौन कौन हम हमारे कंपटीटर हैं, ये जब हम डिजाइन करते हैं प्रोडक्ट की तो हमको इसको भी ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक, फोर्थ है व्हाट हैव बीन प्रीवियस कंप्लेंट, पुरानी हमारी कौन कौन सी शिकायतें हैं जो कि कंज्यूमर से हमें उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के इस पे मिली हुई हैं। जैसे कोई दूसरी कंपनी का है तो क्या क्या शिकायत आती हैं, अरे आपका बिस्कुट तो खराब है, उससे स्मेल आती है, अरे वो तो ब्रेक टूटा टूटा निकलता है पैकेट में। तो जो पुरानी प्रीवियस कंप्लेंट्स होती हैं उन कंप्लेंट्स को भी हमको चेक करके ही हम न्यू प्रोडक्ट की डिजाइन करते हैं। ठीक है, क्या क्या ड्रॉबैक हैं, क्या क्या उसके फॉल्ट हैं, उन सबको रिजॉल्व करते हुए हम एर्गोनॉमिक में डिजाइनिंग करते हैं प्रोडक्ट की। ओके, फिफ्थ पॉइंट है डज योर टीम अंडरस्टैंड एर्गोनॉमिक्स। एर्गोनॉमिक्स काफी समय से चली आ रही एक प्रोसेस है जिसको आपकी सभी टीम मेंबर्स को जानना बहुत आवश्यक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके 10 लोग उस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, 10 लोग उस टीम में मेंबर हैं और उसमें से 2 ही लोगों को एर्गोनॉमिक्स के बारे में पता है, बाकी को जानने ही नहीं, पता ही नहीं है। तो डज योर टीम अंडरस्टैंडिंग एर्गोनॉमिक्स, आपकी टीम के हर एक मेंबर को एर्गोनॉमिक्स के बारे में जानकारी होना, समझना बहुत ही आवश्यक है। तो दोस्तों आज का जो वीडियो था एर्गोनॉमिक इन प्रोडक्ट डिजाइन के ऊपर था। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।